एएनएम और जीएनएम भर्ती 2018 को पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी स्वास्थ्य भवन पहुंचे। दरअसल एएनएम और जीएनएम भर्ती 2018 में 12,000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 9,000 अभ्यर्थियों को तो ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन विशेष श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ऐसे में विशेष श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य भवन पहुंचकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की और साथ ही में उन्हें ज्वाइनिंग देने की भी मांग की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने का आश्वासन दिया है। मांगे कि नर्सिंग भर्ती 2018 में जिनका फाइनल लाइन में लिस्ट में नाम होते हुए भी इन लोगों ने हमें वंचित किया गया है, हमें पदस्थापन नहीं दिया गया है। सर, काफ़ी सारी जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई प्राथमिकता का कोई ध्यान में न रखते हुए विकलांग, तलाकशुदा, विधवा, किसी को भी नौकरी नहीं दी गई है। एएनएम जीएनएम दोनों में जो भी चयनित हैं उनको बिना किसी कोर्ट मैटर के होते हुए भी उनको पदस्थापन से वंचित रखा गया है। हमें सरकार से केवल एक ही निवेदन है कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति।